दोस्तों नमस्कार, वीकेनोलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये मिक्स प्रश्नों की सीरीज संख्या 33 है। इससे पहले मिक्स प्रश्नों की हम 32 सीरीज अपलोड कर चुके हैं और प्रत्येक सीरीज में 25 क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों अब तक हम कुल 800 प्रश्न अपलोड कर चुके हैं और आज की अपने इस सीरीज में भी 25 प्रश्न होंगे, यानी प्रश्न संख्या 801 से लेकर 825 तक। सभी प्रश्नों को लास्ट तक आप जरूर देखें। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड जरूर करें और उन लास्ट वीडियोज को भी यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी प्रश्नों को भी आप जरूर देखें। दोस्तों इस सीरीज के स्पेशली आप 821 नंबर प्रश्न को तो जरूर देखें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट और अलग प्रश्न है। आई थिंक आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। यदि प्रश्न आपने पहली बार पढ़ा हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों प्रश्नों की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 801 है कि जब वीवी सिस्टम से संयोजित एक ट्रांसफार्मर को डेल्टा डेल्टा संयोजन में कन्वर्ट किया जाता है तो कैपेसिटी में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, हम सब जानते हैं आई थिंक। देखिए प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि वीवी सिस्टम से डेल्टा डेल्टा सिस्टम आ रहा है, यानी दो वाइंडिंग के डेल्टा से तीन वाइंडिंग के डेल्टा की ओर आ रहे हैं। दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा। यदि अपना प्रश्न इस तरह से हो कि डेल्टा डेल्टा से वीवी बना देते हम, तब तो बड़ा सिंपल उत्तर है 57.7 यानी 58% एफिशिएंसी रह जाती है, कैपेसिटी रह जाती है। लेकिन इस बार प्रश्न अपना अपोजिट है कि वीवी कनेक्शन से हम वापस डेल्टा डेल्टा की ओर आ रहे हैं, कितने परसेंट की वृद्धि होगी। दोस्तों अपने इस प्रश्न का उत्तर रहेगा बी, 73.2% की वृद्धि होती है। कैसे होती है अब ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप ज़रूर सुनिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बड़ा है। मान लीजिए कि सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि 10 केवीए प्रत्येक रेटिंग वाले तीन हमारे पास वाइंडिंग थी, तो इन सब का टोटल लोड कितना हुआ, 30 केवीए, यानी ये किसी समय कंप्लीट डेल्टा डेल्टा कनेक्शन था। अब यदि हम इसको वीवी कनेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये इस 30 का कितना सहन करेगा, 58%। कितना सहन करेगा, 58। लेकिन 58 इस 30 का नहीं, आप इस 30 का 58 अगर निकालते हैं तो ये आएगा आपका 17.32, यानी अब ओवरऑल अपने पास लोड कितना रह गया, 17.32 केवीए। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो दो वाइंडिंग बची 10 केवीए की, तो वो दोनों मिलकर के 20 केवीए की हो गई, तो इस समय लोड 0.866 है। आप इस 20 केवीए को 0.866 से मल्टीप्लाई करें तब भी उत्तर अपना 17.32 केवीए ही आएगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपने पास ओवरऑल कैपेसिटी 30 केवीए की थी, अब ये कैपेसिटी अपनी 17.32 रह गई है। अब हम अपोजिट चल रहे हैं प्रश्न में, देखिएगा कि जब वीवी है तो 17.32 है, तो पूरी तरह से डेल्टा डेल्टा बनेगा तो कितना हो जाएगा, 30 केवीए। आप देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, इस डिफरेंस को जब आप देखेंगे तो ये आएगा 12.68। तो कितना केवीए बढ़ गया, पहले अपना था 17.32, अब बढ़ करके 30 हो गया, यानी वृद्धि कितनी हुई, 12.68। तो ये जो 12.68 है ये अपने इस 17.32 के कितने प्रतिशत है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रश्न का उत्तर आएगा डी, 73.2%। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, एक 60 वाट का लैंप 3000 मिनट तक प्रचालित किया जाता है, इसकी किलोवाट आवर खपत कितनी होगी। KWH यूनिट निकालना है, KWH यूनिट को ही कहते हैं। यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वाट इंटू आवर्स बटे 1000, यानी वाट इंटू घंटे बटे 1000। सिंपल चीज़ है, हमें टाइम जो है वो घंटे में नहीं मिनट्स में दे रखा है और मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, इसके लिए 60 का भाग दिया जाता है, यानी वाट
इनटू आवर्स, तो 3000 मिनट को हम 60 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आवर्स में, और 1000 का इसमें भाग देना है। देखिए 60 से 60 कट जाएगा, 1000 से ये कट जाएगा, उत्तर आएगा 3 यूनिट। अपने इस प्रश्न का उत्तर रहेगा सी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 3 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन के दो समवर्ती बल एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, परिणामी बल पूछा गया है। देखो समवर्ती का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि इस तरह का प्रश्न बलों के समांतर चतुर्भुज से संबंधित होता है। दोस्तों कार्यशाला गणना एवं विज्ञान में एक टॉपिक था जिसमें हमने लामी प्रमेय, लामी थ्योरम और बलों का समांतर चतुर्भुज संतुलन के साथ पढ़ा होगा आपने, और ऐसे में जब रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना हो तो दोनों बलों को नाम पी क्यू दिया जाता है और उनके बीच में ये जो कोण बनता है इसको हमेशा कोस थीटा का मान दिया जाता है, और इसके लिए फॉर्मूला रहता है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ कोस थीटा और इस पूरे पर अंडर रूट। ठीक है, देखो पी में आप स्क्वेयर करेंगे 3 की 9 हो जाएगी, प्लस 4 की स्क्वेयर करेंगे 16, प्लस 2 × P × Q × cos थीटा। देखिए cos 60 है और cos 60 का मान 0.5 होता है, इसको भी कैलकुलेशन आपको करना है। तो ये जब आपकी कैलकुलेशन आएगी तो 0.5 से ये करेंगे तो ये आएगी 12। ठीक है, 2 × 3 × 4 × 0.5 करेंगे तो ये आएगी 12। अब 9 + 16 + 12 इसको जोड़ करके आप अंडर रूट निकाल दीजिए। देखो ये अपना आएगा लगभग 37 आएगा, और 37 का अंडर रूट आपको निकालना है तो ये 6.08 किलो न्यूटन हो जाएगा। अपने प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। दोस्तों मैंने तरीका बता दिया है, कैलकुलेशन कर लेना और आप प्रश्न के उत्तर का मिलान जरूर करें। पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ cos थीटा cos 60 की वैल्यू रखनी है, ये P मान लेना ये Q मान लेना और प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक मैग्नेटिक रिले का कॉन्टेक्ट NC है तो इसका आशय क्या है। देखो NC को अपन बोलते हैं नॉर्मली क्लोज, और मैग्नेटिक रिले में कॉन्टेक्ट दो तरह के होते हैं, एक NO दूसरा NC, यानी नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन। नॉर्मली क्लोज का मतलब ये होता है कि जब अपना रिले काम नहीं कर रहा है, यानी पिकअप पोजीशन में नहीं है, रिले ड्रॉप कंडीशन में है, रिले कॉइल को सप्लाई नहीं मिली है, यानी नॉर्मल कंडीशन या सामान्य अवस्था में ये कॉन्टेक्ट नॉर्मली क्लोज है, ये कॉन्टेक्ट नॉर्मली ओपन है। तो अपने इस प्रश्न का उत्तर बी होगा कि कॉन्टेक्ट क्लोज है जब रिले अप्रचालित है, यानी रिले को ऑपरेट हमने नहीं किया है। जैसे ही रिले को कमांड मिलेगी, रिले पिकअप होगा तो ये NC अपना NO में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये कॉन्टेक्ट ओपन होगा जब रिले प्रचालित होगी। मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्लोज है, प्रचालित होने के बाद ओपन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक AC रिले 50 हर्ट्ज सप्लाई से कनेक्टेड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितनी बार शून्य से गुजरता है। भाई सिंपल बात है, प्रत्यावर्ती धारा है, हम सब समझते हैं कि वो शून्य से शिखर तक जाती है फिर शून्य पर आती है, अपनी दिशा बदलते हुए शिखर की ओर जाती है फिर शून्य पर आती है। हम देख रहे हैं कि ओवरऑल 1, 2, 3 और 4 यानी वापिस उसी जगह पर वो आ जाती है। यानी देखा जाए तो कैलकुलेशन के मामले में हम देखें तो 1 0 और दूसरा 0, अगर साइन वेव के लिए आप कैलकुलेशन करें तो ये डायग्राम जो इस तरह से हम बनाते हैं एक्चुअल में ऐसे नहीं होता, ये डायग्राम ये होता है कि जहाँ से वो सप्लाई चलती है वापस वहीं आती है, तो एक ये शून्य और दूसरा ये शून्य, यानी दो बार शून्य पर वो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड 50 हर्ट्ज से प्रचालित है, यानी एक मिनट में 50 चक्कर काटता है और एक चक्कर में दो बार शून्य पर जाता है, यानी 100 बार शून्य पर आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से
उस भाग का चयन कीजिए जो शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है। शेडेड पोल मोटर में कौन सा नहीं है हम ये देख लेते हैं। देखो कम्यूटेटर शेडेड पोल मोटर में कभी नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी नहीं होता, कैपेसिटर भी नहीं होता, केज टाइप रोटर जरूर होता है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, शेडेड पोल मोटर में केज टाइप रोटर पाया जाता है। अगला अपना प्रश्न है कि एक यूनिवर्सल मोटर निम्न में से किस गति पर चलती है। दोस्तों यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों पर ऑपरेट हो सकती है, इसे एसी सीरीज या डीसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है, और यह घरेलू जैसे फूड मिक्सर और पोर्टेबल ड्रिल मशीन में उपयोग भी की जाती है। लेकिन देखिए डीसी सीरीज मोटर जैसे ही नाम आ गया तो हम समझ सकते हैं कि इस मोटर की गति भार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी भार के आधार पर परिवर्तनशील गति इसकी होती है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, लोड के आधार पर बदलती गति, जैसा भार है गति उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे अधिक भार है तो गति कम, कम भार है तो गति अधिक। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक बीओटी किसके बराबर होता है। देखो पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का मतलब होता है वह यूनिट जिस पर विद्युत ट्रेड होती है। ट्रेड का मतलब है बिजनेस किया जाता है, यानी खरीदी या बेची जाती है, और हम सब समझते हैं कि इंडिया में KWH के अकॉर्डिंग होती है, किलोवाट आवर्स के। तो एक बीओटी एक KWH के बराबर ही होता है। किलोवाट को अपन 1000 वाट बोलते हैं और आवर्स को घंटे, यानी 1000 वाट घंटे के बराबर होता है। क्वेश्चन का उत्तर सी हो जाएगा, एक बीओटी एक KWH के बराबर है, एक बीओटी 1000 वाट घंटे के बराबर भी है। इसी तरह से वाट मिनट के बराबर भी कर सकते हो, वाट सेकंड के बराबर भी कर सकते हो, और वाट सेकंड को ही हम जूल कहते हैं, तो एक बीओटी में जूल भी कर सकते हो, जो मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक CRT की स्क्रीन पर निम्न में से किसका लेपन किया जाता है, कोटिंग पूछा है भाई। CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, और ये CRO में भी काम आती है, TV में पुराने टाइम में पिक्चर ट्यूब यही होती थी, CRT बोलते थे। और इस पर जिस पदार्थ की कोटिंग होती है वो है फास्फोरस। इस पर फास्फोरस की कोटिंग होती है, लेपन किया जाता है जो पर्दे पर हमें दिखाई देता है। अगला अपना प्रश्न है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी का मान किस पर निर्भर करता है। देखो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी है, शायद आप में से बहुत सारे है जिनको रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही याद है। दोस्तों रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है S×F, यानी स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। तो सीधी सी बात है, किस बात पर निर्भर कर रहा है, एक तो मोटर में स्लिप पर निर्भर कर रहा है, दूसरा सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है। अब अपने को क्या इसमें स्लिप की मात्रा एक ही ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन सप्लाई फ्रीक्वेंसी वाला दे नहीं रखा है, तो प्रश्न का उत्तर अपने ए हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक एम्पलीफायर के विपरीत है, यानी एम्पलीफायर जो काम करता है ना, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो उसका अपोजिट काम कर रहा हो, उल्टा काम करता हो, विपरीत काम कर रहा हो। तो हम सब जानते हैं एम्पलीफायर किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, यानी इनपुट के वीक सिग्नल को बढ़ा करके आउटपुट में मजबूत सिग्नल प्रदान करते हैं। एम्पलीफायर से हम करंट, वोल्टेज, पावर और यहाँ तक कि हम ध्वनि भी बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर में यही फर्क होता है, ट्रांसफार्मर से हम केवल वोल्टेज या करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, पावर को नहीं, जबकि एक एम्पलीफायर से पावर को भी एम्पलीफाई किया जा सकता है। तो एम्पलीफायर बढ़ा करके देता है, तो कौन सा निम्न में से ऐसा है जो घटा करके देता है, और उस घटाने वाले को अपन बोलते हैं अटेन्यूएटर, इंग्लिश में अटेन्यूएटर बोलते हैं, हिंदी में इसको क्षीणकारी के नाम से जानते हैं। मैं लिख देता हूँ, समझ आ जाएगा, क्षीणकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपने फिल्टर सर्किट में फ्रीक्वेंसी को अटेन्यूएट करना ही बोलते थे हम, यानी फ्रीक्वेंसी को रोकना। ठीक है, जैसे फिल्टर बढ़ा करके दे रहा है तो ये उस चीज़ को कम करके देते हैं आगे, अटेन्यूएटर बोलते हैं। प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक विद्युत क्षेत्र किसका
विक्षेपण कर सकता है, यानी डिस्टोर्शन किसका कर सकता है, विक्षेपित यानी उसको विसरित कर सकता है, फैला सकता है, तो भाई वो अल्फा कण होते हैं। अल्फा कण ही विद्युत क्षेत्र से प्रतिकर्षित या आकर्षित हो सकते हैं या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बाकी जितने भी होते हैं ये नहीं किए जा सकते। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। यदि हम इन्हें किसी परिपथ में संयोजित कर देते हैं तो टोटल प्रतिरोध प्राप्त करने के कितने मान संभव है, यानी कुल प्रतिरोध का मान कितना कितना आएगा, ये कितना संभव हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अपना रहेगा डी, 8। यानी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम विभिन्न प्रकार से संयोजन करते हुए 8 प्रकार से ले सकते हैं। कैसे कैसे, देखो सबसे पहला कि जब तीनों प्रतिरोध सीरीज में हो, दूसरा कि जब दोनों पैरेलल में हो। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 और 2 सीरीज में और 3 नंबर पैरेलल में, तो ये था 1, ये था 2 और ये परिस्थिति हो गई नंबर 3। नंबर 4 परिस्थिति आती है कि 2 और 3 सीरीज में और 1 नंबर पैरेलल में, ये होगी परिस्थिति नंबर 4। इसी तरह से 3 और 1 सीरीज में जबकि 2 समांतर में, ये परिस्थिति नंबर होगी 5। इसी तरह से पैरेलल पे आ जाएंगे तो 3 पैरेलल के बनेंगे, यानी 1 और 2 पैरेलल में, 3 सीरीज में। इन दोनों के सीरीज में डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये 1 ओम वाला है, ये 2 ओम वाला है, इनके सीरीज में ये 3 ओम वाला है, तो ये परिस्थिति होगी ना। तो इसी तरह से 2 और 3 पैरेलल में, 1 इनके सीरीज में, 3 और 1 पैरेलल में, 2 इनके सीरीज में, कुल मिलाकर 8 परिस्थितियां बनती है। प्रश्न का उत्तर डी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि त्रिभुज की आकृति में संयोजित प्रत्येक 3 ओम का प्रतिरोध है, किन्हीं 2 कोणों के बीच में कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखिए डेल्टा की आकृति भी कह सकते हैं हम इसको, और चाहे तो हम इसको त्रिभुज की आकृति भी बोल ही सकते हैं। सवाल सीधा सा ये है कि ऐसे त्रिभुजाकार आकृति कोई बनी हुई है तो इसके किन्हीं भी 2 कोणों के बीच में, मान लीजिए मैं ए, बी और सी इनको नाम दे देता हूँ, तो चाहे ए और बी के बीच में हो, या बी और सी के बीच में हो, या सी और ए के बीच में हो, अगर टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना हो तो दोस्तों इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लेकिन याद रखें, ये फॉर्मूला भी केवल तब सक्सेस है जब सभी प्रतिरोध एक समान मान के हो, जैसा कि अपने इस प्रश्न में भी दे रखा है, सभी एक समान मान के हैं। तो जब सभी एक समान मान के हो तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2/3 × R, किन्हीं भी 2 कोणों के बीच में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यदि मान समान हो तो 2/3 × R का फॉर्मूला आप अप्लाई करें, उत्तर आ जाएगा। जैसा कि आपने इसमें देखो, प्रत्येक प्रतिरोध 3 ओम का है तो किसी भी कोने के बीच में जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 2 ओम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 1400 mm स्वीप के एक छत पंखे की मोटर की रेटिंग कितनी होगी। दोस्तों छत पंखा सामान्यतः 60 वाट का होता है, ध्यान रखें, लेकिन वो 900 mm स्वीप वाला होता है। एक छत पंखे के स्वीप का मतलब होता है उस जब वो घूर्णन करता है तो उसके घूर्णन से जो व्यास बनता है ना, तो वो डिस्टेंस कितनी थी, या फिर छत पंखे का स्वीप हम 2 तरह से लेते हैं, एक तो घूमने से बने वर्त का व्यास का 2 गुना पूरा जो वर्त बन रहा था वो, और दूसरा ये होता है कि केंद्र से, मोटर के केंद्र से लेकर ब्लेड के एक ओर की जो दूरी थी उसका 2 गुना दूरी, तो एक ही बात हो गई, त्रिज्या का 2 गुना बोल दो या व्यास बोल दो। जब ये 900 mm हो तो लगभग 61 वाट के आसपास होता है, और 1200 से 1400 mm जब हो तो 120 से लेकर 180 वाट के आसपास होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटरें कितनी शक्ति क्षमता तक बनाई जाती है। सिंगल फेज मोटरों की कैपेसिटी अपन से पूछी गई है। दोस्तों सामान्यतः सिंगल फेज मोटरें जो है वो 2 HP तक बनाई जाती है। ये प्रश्न पहले भी कई बार आ चुका है और करवा चुके हैं इस प्रश्न को।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 5 HP तक की छोटी DC मोटरों में आमतौर पर कितने पोल होते हैं। 5 HP तक की छोटी मोटरें होती है DC वाली, तो ध्यान रखना हाई स्पीड मोटरें होती है और इनमें 2 मैग्नेटिक पोल ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है उसका पावर फैक्टर कैसा होगा। देखो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है और लोड के अकॉर्डिंग ध्यान रखें कॉन्स्टेंट वोल्टेज के साथ धारा बदलती रहती है, और ट्रांसफार्मर इंडक्टिव है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, लेकिन याद रखें वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर बहुत कम होता है। प्रश्न का उत्तर डी होगा, बहुत ही कम, 0.3 से 0.5 लैगिंग, अपने इस प्रश्न का उत्तर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 किलोवाट चार पोल 400 वोल्ट वाली 3 फेज 1728 RPM की एक इंडक्शन मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर चलाया जाए तो क्या होगा। देखो भाई मोटर 3 फेज की है, 400 वोल्ट सप्लाई थी, 400 वोल्ट ही हमने दिया, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज की जगह हमने कितना दे दिया 50 हर्ट्ज, तो बाकी किसी चीज़ में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमने फ्रीक्वेंसी कम दी है। तो हम सब जानते हैं कि इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति जो है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी 60 से 50 कर देंगे तो मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, मोटर चलेगी ज़रूर लेकिन कम गति के साथ चलेगी, यानी मोटर नहीं चलेगी या जल जाएगी ये हो नहीं सकता, फ्रीक्वेंसी घटी है इसलिए अधिक गति पर वो चल नहीं सकती। क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, 1728 RPM से कम गति पर वो चलेगी, क्योंकि यहाँ जो स्पीड आ रही थी तो फ्रीक्वेंसी अब कम हो गई इसलिए स्पीड कम हो जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किसी केबल की सर्विस वोल्टेज यदि 250 वोल्ट हो तब कम से कम निम्नलिखित वोल्टेज पर इसको स्थापित किए जाने के लगभग 15 मिनट बाद तक इसकी जांच करनी चाहिए। किसी भी केबल के ध्यान रखिएगा जो रेटिंग फैक्टर होता है जैसे 250 वोल्ट है तो ये वैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इकाई होता है। जब भी हम इस तरह की केबल में सर्विस रेटिंग लिखते हैं तो ध्यान रखें ये वो वोल्टेज होती है जिस पर ये कार्य कर सकती है। अब हम सब जानते हैं कि 250 वोल्ट सप्लाई लो वोल्टेज पावर में आती है और इसमें 5% का वोल्टेज उतार चढ़ाव भी हो सकता है। जब भी इस तरह के केबल हो तो पहले इनको टेस्टिंग की जाती है और इनको अपने निर्धारित वोल्टेज रेटिंग से दोगुनी वोल्टेज पर 15 मिनट तक चलाया जाता है। जब ये प्रॉपर सेंड कर जाती है तो फिर इस पर वो रेटिंग फाइनल की जाती है। क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक पंखे का वायु वितरक यानी एयर डिलीवरी किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यानी पंखा हमें कितनी एयर डिलीवर कर रहा है ये किस इकाई में लिखा जाता है। ध्यान रखना है कैपिटल और शॉर्ट में तो इसको बोलते हैं CMM, पूरा नाम होता है क्यूबिक प्रति मिनट, ठीक है, क्यूबिक मीटर प्रति मिनट, यानी एक मिनट में कितने घन मीटर, याद रखिएगा क्यूबिक मीटर है CM का, शॉर्ट में याद रख लेना, दोबारा बता देता हूँ, पंखे की एयर डिलीवरी को CMM में मापा जाता है, पूरा नाम होता है क्यूबिक मीटर प्रति मिनट, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन मीटर, यानी घन मीटर प्रति मिनट, एक मिनट में कितने घन मीटर के एरिया तक वो पहुंचा देता है। अपने क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा क्योंकि क्यूब को हम 3 पावर से ही लिखते हैं, यानी मीटर की क्यूब प्रति मिनट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बाइनरी संख्या 0.1101 का डेसिमल तुल्यांक कितना होगा। देखो वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो मैं आपको बता दूं कि बिना सोचे समझे ही जैसा कि इस प्रश्न का उत्तर हो रहा है ए ऑप्शन होगा, क्योंकि इन्होंने देखो कि 0.0 इसमें लिया है, ये याद रखें श्योर होता है इस तरह की संख्या को जब भी आप हल करेंगे ना तो इसका उत्तर 0 पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। जैसे ये 8.18, ये 812, ये 81.2 हो रहा है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। याद रखें जब भिन्नात्मक बाइनरी हो तो उसका आंसर भी भिन्नात्मक दशमलव ही आता है,
अब पूरा उत्तर कैसे आता है वो देखो मैं बताता हूँ। जब इस डेसिमल से इस साइड होना तो उसमें तो दो की घातांक प्लस में लगती है, जैसे दो की घात 0, 1, 2, 3, 4, और जो इस पॉइंट के बाद की हो उनमें घातांक माइनस के होते हैं, यानी 2 की घात -1, 2 की घात -2, -3 और -4, क्योंकि अपने यहाँ पॉइंट के बाद कितने लिखे हुए हैं 4, इसलिए घातांक भी कितने हो जाएंगे 4। अब इनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो जैसे इसमें पहला 1 है तो 1 से, दूसरा 1 है तो 1 से, तीसरा 0 है तो 0, और चौथा 1 है तो 1 से हो जाएगा। तो 0 वाले को तो छोड़ दो और बाकी सबको जोड़ना है, और इसके लिए फिक्स ही होता है आंसर। दोस्तों मैं बता देता हूँ, जब आप 2 की पावर -1 करते हैं तो ये आता है 0.5, फिर आप 2 की पावर -2 करते हैं तो ये आता है 0.25, जब आप नेक्स्ट करते हैं तो वो आता है आपका 0.125, और लास्ट वाला जब आप करते हैं तो 0.0625 आता है। अब देखो हमें ये तो छोड़ ही देना है 1, 2, 5 वाला, तो और 0.0625 को जोड़ना है, ठीक है। तो ये आएगा 5, 2, ठीक है, और इसने तो 3 अक्षरों तक ही दिए, बाकी अपन को दिए ही नहीं, ठीक है। और 6 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 5, 2, 7 और 1, 8, यानी 0.8125 आएगा, ठीक है। प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, और इनको मैं पहले थ्योरी की क्लास में भी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, एक मूविंग कॉइल मीटर जिसका प्रतिरोध 20 ओम है 50 मिली एम्पियर पर FSD देता है, फुल स्केल डेफ्लेक्शन देता है, हमें इससे 150 वोल्ट नापनी है, कैसे करें। देखो ये एक तरह का वोल्ट मीटर ये, क्योंकि हमें रेंज बढ़ानी है वोल्टेज की, तो हम वोल्टेज ही मानेंगे। अब सवाल ये है कि वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर वोल्टेज पर FSD देना चाहिए था, यहाँ हमें दे दिया कि धारा पर FSD दे रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, ये 50 मिली एम्पियर करंट है, इसको IM बोलते हैं मीटर की धारा, ये 20 ओम RM मीटर का रेजिस्टेंस कहलाता है, तो आप मीटर की वोल्टेज नाप दो जिस पर वो FSD दे रहे हैं, V = I * R कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो R 20 है, करंट 50 है, मिली एम्पियर में है, तो 1000 का भाग भी दे देंगे, 50 × 20 करते हैं तो 1000 ही आता है, उत्तर आएगा 1। सवाल दोस्तों सीधा सा ये है, मीटर जिसका प्रतिरोध 20 ओम है 1 वोल्ट पर FSD दे रहा है, अब हमें 150 वोल्ट नापनी है, भाई सीधी सी बात है 149 वोल्ट और नापने हैं ना, तो अब जितना भी रेजिस्टेंस है 149 गुना और हो जाएगा, 20 को 149 से मल्टीप्लाई कर देना, क्वेश्चन का आंसर आएगा ए 2980 ओम। हालांकि इसका प्रॉपर तरीका भी होता है, और प्रॉपर तरीका ये होता है कि RM × N - 1, RM होता है मीटर का प्रतिरोध जैसा कि 20 ओम, N होता है V/VM, यानी वह वोल्टेज जो अब नापनी है, वह वोल्टेज जो मीटर पहले नाप रहा था, अब नापनी है 150 मीटर पहले नाप रहा था 1 वोल्ट, 150 - 1 करेंगे तो 149 आएगा, कैलकुलेशन करें, क्वेश्चन के आंसर का मिलान करें, प्रश्न का उत्तर ए आएगा। अगला अपना प्रश्न है, 3 प्रतिरोधकों को किसी परिपथ में कितने प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, उत्तर आएगा सी 4 तरीके से जोड़ सकते हैं, कैसे, सीरीज में नंबर 1, दूसरा समांतर में, तीसरा सीरीज पैरेलल, और चौथा पैरेलल सीरीज, ठीक है। देखो सीरीज पैरेलल और पैरेलल सीरीज में क्या फ़र्क है तो वो मैं बता दूं आपको, जैसे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, तो इस डायग्राम का नाम है सीरीज पैरेलल, यानी इसमें पहले आपको सीरीज में हल करने पड़ेंगे फिर 3 पैरेलल बनेगा, और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है पैरेलल सीरीज, क्योंकि पहले इन दोनों को पैरेलल, इन तीनों को पैरेलल में हल करो, फिर ये तीनों सीरीज में आएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 66 kV की ट्रांसमिशन लाइन में डिस्क इंसुलेटर में डिस्कों की संख्या कितनी होगी, प्रैक्टिकली डायरेक्ट डिवाइड कर दिया करो 13.2 kV या 13.5 kV एक डिस्क सहन करती है, 66 को 13.5 से डिवाइड कर देना, उत्तर आ जाएगा ए 5 डिस्क होगी।